हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। सफेद दाग एक त्वचा का रोग है जिसे अंग्रेजी में ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। इस रोग में शरीर के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आकार के सफेद दाग हो जाते हैं। दुनिया भर के देशों में लगभग 100 में से 2 लोग इस रोग का शिकार है, जबकि भारत में इस रोग के शिकार लोगों की संख्या 100 में से 4 से 5 है। इसमें भी राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में ये संख्या बढ़कर 8% जितनी हो जाती है, यानी 100 में से 8 लोग इसका शिकार है। दोस्तों, जिन लोगों को ये रोग हो जाता है ये सबसे ज्यादा हताश हो जाते हैं। सफेद दाग का इलाज एलोपैथी में किया जाता है, लेकिन ये इलाज इतना कारगर नहीं होता। इसके अलावा ये इलाज बहुत महंगा भी होता है, लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है। आज मैं आपको पारंपरिक रूप से यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार सफेद दाग मिटाने के लिए एक जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कुदरत के खजाने में ऐसी अनमोल और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जो हमारे आसपास में होते हुए भी हम इसके गुणों के बारे में नहीं जानते। दोस्तों, ऐसी ही एक चमत्कारिक जड़ी बूटी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है बावची। ये एक पौधा होता है जो ज्यादातर भारतवर्ष के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे गुलाबी रंग के पुष्प लगते हैं और पुष्प के बाद काले रंग के बीज होते हैं। बावची के इस बीजों को ही त्वचा रोग में उपयोग में लिया जाता है। इस बीजों से तेल निकाला जाता है। इस बीजों की प्रकृति गर्म होती है, लेकिन ये त्वचा रोगों को जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, इस बीजों से किस प्रकार से सफेद दाग दूर कर सकते हैं इसकी विधि आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी विधि क्या है। सबसे पहले एक कटोरी में पानी भरकर 50 ग्राम बावची के बीजों को भिगोकर 3 दिनों तक रखें। इसके बाद इस बीजों को मचलकर छिलका उतार ले और छांव में सुखा ले। जब ये बीज पूरी तरह सूख जाए तब पीसकर पाउडर बना ले। अब इसमें से 1.5 ग्राम पाउडर लीजिए और 200 से 250 ग्राम गाय या बकरी के ताजे दूध के साथ रोजाना पिए। इसके अलावा इस बीजों के चूर्ण को पानी के साथ पीसकर एक पेस्ट बनाए और इसे सफेद दाग पर दिन में 2 बार लगाए। दोस्तों, ये प्रयोग आपको लगातार 3 मास तक करना है। अगर पुराना रोग हो तो 3 मास और बढ़ाए। जब भी आप इस पेस्ट को सफेद दाग पर लगाए तब एक सावधानी रखें। जब भी सफेद दाग लाल हो जाए और उसमें से कुछ द्रव्य निकलता देखे तो इलाज को तुरंत रोक दे। फिर कुछ दिनों के अंतराल के बाद दोबारा प्रयोग शुरू करें। दोस्तों, इस प्रयोग के दौरान आपको खाने पीने पर पूरा ध्यान देना चाहिए, तब भी आप इस रोग से मुक्त हो सकेंगे। इस प्रयोग के दौरान कभी अधिक तला हुआ, मिर्च मसाले वाला, अधिक नमक वाला या मीठा नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही शराब और धूम्रपान को भी छोड़ देना चाहिए और रोजाना पेट साफ करने की दवाई लेनी चाहिए, जैसे कि त्रिफला चूर्ण आदि। बावची के बीज आपको कहीं भी पंचर की दुकान पर मिल जाएंगे। दोस्तों, ध्यान दे, बावची गर्म प्रकृति की होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन न कराए। इसके अलावा अर्श और बवासीर के मरीज इसका प्रयोग करने से बचे। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।